something. Like you love me and make my day. Like you always do. Like you always do. गुड मॉर्निंग, आज है 31st of December और कल है न्यू ईयर. तो हम लोग अभी कुछ दिनों से घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं. घूमने फिरने मतलब कि वॉक करने के लिए आते हैं. तो एक्चुअली हुआ ये था कि विक्की का ये प्लान था कि ईयर एंड में हम लोग कहीं घूमने जाते हैं. ठीक है, घूमने मतलब थोड़ा सा एक दो दिन आउटिंग करने के लिए. बिकॉज 2020 जब से स्टार्ट हुआ है ना, हम लोग कहीं गए ही नहीं है. आप बोलो गेट अवे करने टाइप का या कुछ भी, मतलब बस हमारा भोपाल मुंबई भोपाल मुंबई भोपाल मुंबई ही चल रहा है. मैक्स टू मैक्स हम कहीं गए तो किसी रिलेटिव के घर गए हैं. तो मतलब वो जो एक होता है ना टाइम स्पेंड करने, वो हमने करा ही नहीं है. तो ये था हमारा प्लान हुआ था कि ईयर एंड में हम लोग कहीं जाएंगे भोपाल के आसपास. बट लिटरली बताऊँ, मुझे कहीं समझ में भी नहीं आ रहा था कि कहीं जाएं. और फिर उस प्राइस को लेकर के ना, मैं वर्थ इट भी नहीं लग रहा था. तो ना हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि सुबह या मॉर्निंग वॉक पे आया करेंगे. मेरे घर के बहुत बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है जो मैं अभी स्टोरीज पे डालती रहती हूँ. सब पूछते हैं आप कहीं गए हो क्या, कहाँ की जगह है ये. तो मैं उनको भी बताती हूँ, भैया भोपाल है हमारा. एंड जबकि मैं मोबाइल के कैमरे से कैप्चर करके डालती हूँ, मतलब मैं यही विक्की को बोलती हूँ कैमरा लेके मैं कैप्चर करना स्टार्ट कर दूँ ना, तो इट विल लुक सो ब्यूटिफुल, मतलब क्या बोलूँ मैं. तो मैं वही सोचती हूँ यार, अगर मैं विक्की को भी यही बोलती कि मुझे किसी रिजॉर्ट में अगर जाना है ना, तो वो ऐसा होना चाहिए कि व्यू इतना तगड़ा दिखना चाहिए, इसको फेल करना चाहिए वो रिजॉर्ट, तब जा करके मजा आए वहाँ पर. या फिर बीच लोकेशन हो या कुछ ऐसा हो तो नया देखने के लिए, अदरवाइज फिर आप तो फिर हमारा वो कैंसिल हो गया, हमारा प्लान कैंसिल हो गया यहीं पे मॉर्निंग. और लिटरली मैं बता रही हूँ, जब से दो तीन दिन से यहाँ पर आ रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रिफ्रेश फील कर रही हूँ मैं काफी ज्यादा. नींद भले ही थोड़ी पूरी नहीं हो रही है बट अच्छा लग रहा है. मेरी बीवी के लिए तो सबसे आश्चर्यजनक बात यही है कि सुबह उड़ गए धूप निकलने से पहले, तो ये पॉसिबल ही नहीं था पहले. सुनो, दो दिन अच्छा स्कूल कॉलेज तो आप जाते थे मेरे बदले में, वो मेरे को मालूम है ऐसे वो जो ऐसा भी हो. तो ये हम लोग आए हैं वन बिहार, बट हम ये दूसरे साइड से आए हैं. ये वाला साइड मेरे घर से काफ़ी पास पड़ता है. ये है सयाजी वाला साइड, बैक साइड ऑफ वन बिहार है. तो यहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली है. कल मैं आपको दूसरे साइड वाला वन बिहार दिखाऊंगी. तो बेसिकली यहाँ पर दिस इज़ वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस एक्चुअली. तो बहुत अच्छा लगता है, साइकिलिंग करते हैं यहाँ पर. गाउन बजाना अलाउड नहीं होता है, तेज़ गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, बहुत शांति पीसफुल एंड बहुत ब्यूटीफुल लगता है. एंड मैं जब से मॉर्निंग में जा रही हूँ, मुझे डेली 4 से 5 मोर दिखते हैं, पीकॉक दिखते हैं, फिर एनिमल्स दिखते हैं बहुत सारे. इतना अच्छा लगता है, मेरे सामने से पीकॉक क्रॉस होते हैं. वैसे भी बोलते हैं सुबह सुबह मोर दिखना बड़ा शुभ हो जाता है. तो मुझे तो मतलब डेली, जब से मैं जा रही हूँ 7 days हो गए मुझे जाते हुए, एंड डेली मुझे डेली दिखते हैं. एंड इतना अच्छा लगता है, सब वॉक करते हैं, बिल्कुल कोई पोल्यूशन नहीं होता है, ग्रीनरी होती है, वाटर होता है, ब्लू स्काई होता है, एंड बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं. आई थिंक हम गेट अवे करने जाते ही इसलिए हैं कि हमको इस तरीके की शांति, बहुत सीनिक व्यू देखने को मिले. तो यही रीज़न था मैंने अपना गेट अवे कैंसिल कर दिया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वर्थ इट ही नहीं है यार. या तो इससे तगड़ी जगह लेकर के जाओ मुझे, एंड अदरवाइज तो हमारे भोपाल में बहुत सुंदर सुंदर जगह है, वहीं चले जाए करेंगे वॉक पे. Okay guys, so currently I'm at One Vihar और विक्की तो गया दौड़ने, मुझे दिख नहीं रहा है. मैं खुद चल रही हूँ 2.5 kilometers वॉक करी है मैंने, और मैं थोड़ा सा थक गई हूँ. सारे कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं घूमने के लिए, आज छुट्टी है ना सैटरडे, कल उस तरफ जाएंगे हम लोग, वहाँ पर जुम्बा वगैरह डांस पार्टी चलती है सुबह सुबह. तो कल मैं आपको वो दिखाऊंगी. एंड 31st मतलब बेसिकली इस व्लॉग में मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ दैट व्हाट आई एम डूइंग, रीसेटिंग माय लाइफ, या क्या क्या नए गोल सेट कर रहे हैं, प्लानर्स भरूंगी, उसके बाद विजन बोर्ड बनाना है मुझे, वो सब चीज़ें, और क्या क्या हम पार्टी करने वाले हैं, और क्या क्या हम लोगों ने घर पे खाया न्यू ईयर पे. दैट्स ऑल आई विल गोना शो यू इन दिस व्लॉग. ओके गाइस, सो शार वगैरह ले लिया है और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है. आप देख सकते हो मैं बिल्कुल डबल डबल स्वेटर पहनी हुई हूँ, बिकॉज एक्चुअली मैं नॉर्थ साइड में तो भयंकर लेवल की ठंड हो गई है, और अभी मॉर्निंग भी आई है. नेक्स्ट 2-3 days और ज़्यादा कोल्ड वेव आने वाली है और बहुत खतरनाक ठंड है.
तो अभी मैं ना बस ऐसी पास तक जा रही हूँ, कुछ सामान भी लेकर के आना है, थोड़ा सा बेसिक सा रेडी हो जाती हूँ। अभी लगाऊंगी लिपस्टिक, ये मैं लगा रही हूँ मामा अर्थ की। मैंने यहाँ पर जो भी लिपस्टिक लगाई है, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मामा अर्थ हाइड्रा मैट क्रेयॉन ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक। तो आपने बहुत सारी बार मेरे मुंह से मामा अर्थ की लिपस्टिक के बारे में तारीफ सुनी होगी, वो थी मॉइस्चर मैट। ये है हाइड्रा मैट क्रेयॉन लिपस्टिक। ओके, सो दिस इज द कलर, ये जो कलर मैंने लगाया है दिस इज 03 बेरी रेड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कलर, ब्राउन एंड रेड कलर मिक्स्ड है। इस तरीके के कलर्स मुझे एक्चुअली में काफी ज्यादा पसंद है। मैं इन जनरल भी मामा अर्थ के लिपस्टिक्स की बहुत बड़ी फैन हूँ, बिकॉज ये एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर प्रूफ होते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, सबसे बेस्ट पार्ट होती है ये मेड सेफ सर्टिफाइड होते हैं, जो कि ये प्रूफ होता है कि इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स, टॉक्सिन्स, ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं है। तो आप डेली लगाओ, बिंदास लगाओ, बिकॉज मेक को तो डे टू डे बेसिस पे शूट्स करना पड़ता है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि लिपस्टिक लगानी पड़ती है, लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक होनी चाहिए, बिकॉज एक दिन में कभी कभी दो दो तीन तीन शूट्स कर लेते हैं। सो दिस इज अमेजिंग, बेस्ट लिपस्टिक है ये, प्राइस वाइज भी बहुत अच्छी है। इसका बहुत ही ज्यादा रिच कलर पे ऑफ है, आप देख ही सकते हो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, कलर पे ऑफ बहुत अच्छा दिया है। 12 घंटे के लिए हाइड्रेटिंग है, मतलब मैंने अभी इसको लगाया है तो मुझे बिल्कुल भी मेरे लिप्स ऐसे चैप से और ड्राईनेस नहीं लग रही है मुझे मेरे लिप्स में। दिस लिपस्टिक इज स्पेशली फॉर्मुलेटेड विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स, ताकि आप एवरीडे इसको यूज कर सकें। दिस इज एनरिच विद द गुडनेस ऑफ हाइलुरोनिक एसिड एंड साथ ही साथ आर्गन ऑयल है इसके अंदर। तो बिकॉज इसके अंदर आर्गन ऑयल है, ये आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है, कंडीशन रखता है, और क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, ये डीप मॉइस्चराइजेशन देता है, आपके जो मॉइस्चर को लॉक कर देता है। सो ये वन स्ट्रोक एप्लीकेशन है, बहुत ही इजीली ग्लाइड होता है आपके लिप्स पे, बहुत लाइट वेट है, डेली बेसिस में पहनने के लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। मैं आपको इसका एक स्ट्रोक आपको इस पे भी बताती हूँ, बिकॉज आई हैव पिगमेंटेड लिप ना, तो एकदम से समझ में नहीं आता है लिप्स पे। मैं इस पे आपको दिखाती हूँ अपने हाथ पे, लुक एट दिस, ये वाटर प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ है। ट्रांसफर प्रूफ का टेस्ट मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हुई है, और वाटरप्रूफ का टेस्ट मैं आपको इस पर कराती हूँ करके। देखिए, पानी डाल दिया है मैंने इसमें, एंड वाटरप्रूफ भी है ये, बिल्कुल भी वाटर से निकल नहीं रही है, इट्स इंटैक्ट। 12 आवर्स लॉन्ग स्टे देती है, 12 आवर्स का हाइड्रेशन देती है, लाइट वेट है, फेदर लाइट है, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन मिलता है आपको, और साथ ही साथ इंटेंस कलर पे ऑफ। सो गेट ब्यूटिफुल मॉइस्चराइज्ड एंड नरिश्ड लिप इन जस्ट वन सिंगल स्वाइप। लिपस्टिक में यूजुअली आपको या तो लॉन्ग स्टे कलर मिलता है एंड या तो फिर हाइड्रेटिंग लिप्स मिलते हैं, सो व्हाई चूज बिटवीन वन व्हेन यू कैन हैव बोथ। तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में आते हैं, मैं आपको एक एक स्वाइप करके बता देती हूँ 7 डिफरेंट जो कलर्स हैं वो। ब्यूटिफुल 7 शेड्स यहाँ से, 01, 02, 03, 04, 05, 06 एंड दिस इज 07। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, यू कैन यूज माई कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे दिया हुआ है, दैट इज स्टाइल 2023। सो एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम मामाअर्थ, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अचीव दैट दे प्लान। इसके पीछे का पर्पस ये है कि आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हैं, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ, जैसे कि आपको पता है, मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स ये अवेलेबल हैं अमेजन, नायका, फ्लिपकार्ट एंड मामाअर्थ की वेबसाइट एंड साथ ही साथ ऐप पर, लेकिन अब ये ऑफलाइन स्टोर्स में भी प्रेजेंट है। मुझे मैसेज करिएगा या कॉमेंट करके बताइएगा आप जब भी मामा अर्थ का ऑफलाइन स्टोर नियर बाय यू स्पॉट करें तो, बिकॉज अभी हर जगह अवेलेबल है। यस, अब फटाफट से चलते। ओके गाइज, मार्केट से आने के बाद हम लोगों ने मस्त डिनर किया, ये बहुत ही स्पेशल सा डिनर बनाया था मम्मी ने। गाइज, तो मैं अभी जा रही हूँ प्रिंट आउट्स करवाने के लिए, बिकॉज मुझे विजन बोर्ड बनाना है अपना, तो मैं अभी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में विजन बोर्ड, साथ ही साथ मैं अपना प्लानर में कुछ कुछ चीज़ें फिल करने वाली हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और फिर उसके बाद, अभी आज 31st है तो रात का हमारा प्रोग्राम एकदम सिंपल सा है, हम लोग टीवी देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली, या तो कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस, या कुछ ना कुछ तो देखेंगे, जो भी आ रहा होगा वो देखते हैं हम लोग। और उसके बाद कल सुबह फिर अगेन वॉक पे जाया जाएगा, एंड उसके बाद नहा धो करके मंदिर जाएंगे। तो ऐसा सिंपल सा हम लोगों का रूटीन रहने वाला है ये वाला। तो मुझे बताइएगा आप लोगों ने न्यू ईयर में क्या क्या किया है, किस किस ने धमाकेदार वाली पार्टी करी और किसने भिन्न तरह न्यू ईयर मनाया है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो सबसे पहले तो मैं गई प्रिंट आउट निकलवाने, उसके बाद फिर हम लोग गए स्पेशल डब्बू जी की शॉप पे, यहाँ से हम लोग नमकीन लेते हैं, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी होता है। एक तो सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है इनके यहाँ की, क्योंकि ये बिल्कुल सामने बनाते हैं, ओपन में बनाते हैं, एकदम क्लीनली बनाते हैं, तो और इनके यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग यहीं से लेते हैं। हे गाइस, मैं आप लोगों से मिल रही हूँ एक्चुअली अभी शाम को, तो हम लोगों को ना कुछ चीज़ें लेने के लिए, कुछ चीज़ें नहीं मतलब मुझे पेस्ट्री खाना है, और मुझे पेस्ट्री खाना है पर्टिकुलरली ताज की है। हम लोग
घर से निकले हुए हैं और हम पहने हुए हैं बिल्कुल लोअर टी शर्ट और मतलब ऐसा घर की हुडी पहनी हूँ, लोअर पहनी हूँ, स्लीपर्स पहने हुए हैं, कार भी गंदी हो रही है। तो विक्की मुझे बोलता है, ये विक्की की सिचुएशन है, बिल्कुल घर वाले की कंडीशन में हम लोग। तो विक्की मुझे बोलता है, कहता है अपन को ये लोग घुसने भी नहीं देंगे। बोला ऐसे कैसे नहीं घुसने देंगे यार, ऐसे कैसे, वो मतलब हम लोग भी तो इंसान है ना। और ठीक है, नहीं आए हम लोग ड्रेसअप होकर, क्योंकि आज तो लोग ओवर ड्रेस ढूंढने, मतलब भोपाल में लिटरली ओवर ड्रेसिंग चलती है छोटे छोटे इवेंट्स में भी। तो आज तो बड़ा इवेंट है तो लोग ओवर ड्रेस्ड होंगे फॉर श्योर, एंड 3 साल बाद सेलिब्रेशन हो रहा है तो एकदम पटाखा बन बन के आएंगे सब। बट ठीक है, अब हम लोग हमारा लक आजमाने के लिए जा रहे हैं कि वो लोग हमको एंटर करने देंगे हम लोगों को नहीं करने देंगे। फिर आप नहीं चलोगे अंदर? नहीं जाएंगे। मैं तो फिर मेरे को तो देंगे वो एंट्री, ऐसे कैसे नहीं, मैं तो बैंड बजा के आ जाऊंगी अगर उन्होंने एंट्री नहीं दी तो। हंस के गए, अगर लोग मुझे घुसने नहीं देंगे तो मैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सुना के आ जाऊंगी कि भाई ये कोई तरीका होता है क्या, ये वो अंग्रेज आते हैं लोअर टी शर्ट में आते हैं तब तो आप उनको घुसने दे देते हैं और ऐसा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो मुझे आराम से एंट्री दे देंगे। विक्की नहीं जा रहा है, इसको बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो रहा है। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं, मैं घुसता ही नहीं फालतू जगह पे कपड़े पहन, मतलब मेरा ये पॉइंट है कपड़ों से क्यों इतना इतनी बुरी तरीके ऊपर। तो पार्टी चल रही है भाई, इतनी भी बुरी हालत में नहीं है। सो यस, लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है। बस एंट्री करने से पहले ही हम लोगों को सिचुएशन दिख गई थी कि बहुत खतरनाक रश होने वाला है, बहुत ही खतरनाक। I have entered in the restaurant. I have entered in Taj like this. Let's go now. अजीब लग रहा है because everyone is so freaking blingy blingy और मैं literally बिल्कुल ऐसे आई हूँ। वहां से आ भी गई, किसी ने मुझे 1% कुछ नहीं बोला है। फालतू की मनगढ़ंत कहानी बना रहा था विक्की की, पर मुझे थोड़ा जब मैंने एकदम देखा ना सबको, वो कहते हैं ना आपको मोटिवेट करने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि इसने मैं दिमाग में भर दी वो चीज की जाने नहीं देंगे। तो मैं जब गेट पे पहुंची और जैसे मैंने देखा मस्त लड़कियां शॉर्ट्स वॉर्ट्स में और ब्लिंग एकदम पहन करके उतरी है, फिर मैंने विक्की को बोला नहीं चलते, तो विक्की बोला नहीं नहीं अब आ गए तो जाओ। फिर मैं गई और बहुत रश है। अब हम लोग जा रहे हैं शांति से घर, और घर पे खाएंगे खाना और देखेंगे टीवी। ऐसा हमारा वो है, न्यू ईयर है और कल सुबह, लेकिन जल्दी उठ के बढ़िया आराम से मंदिर जाएंगे, बिल्कुल देसी तरीके से हम मनाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे। यस यस, ओके गाइस, तो रही हूँ मैं, तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल सुबह मॉर्निंग में। Happy New Year to all of you. Happy New Year to all of you. I wish and I hope and I believe कि ये साल सबका बहुत बहुत अच्छा जाएगा, सबके लाइफ में बहुत सारा abundance, prosperity and good health most importantly रहे, और सबको peace मिले, शांति मिले, satisfaction मिले उनकी life से। सबसे main important चीज़ यही होती है। आज हम लोग जल्दी उठ गए, मतलब कल से भी ज़्यादा जल्दी उठ गए, और हम लोग सो गए थे time पे, sunrise नहीं हुआ है ना। Yes, सनराइज में, हम सनराइज से पहले उठे, सनराइज कैप्चर करेंगे वहाँ से जाकर के। और आज हमारे घर में बन रही है दाल बाटी, बाटी तो बन रही है। तो या यही है वन न्यू ईयर का प्लान। आप लोग बताइए, आप लोग भी ऐसी सिंपल तरीके से जैसे हम पहले मनाते थे वैसे ही न्यू ईयर मनाते हो, या बिल्कुल हार्ड कोर पार्टी लवर हो, बताना मुझे कॉमेंट करके। हमें तो बहुत सारे कल पार्टी लवर दिख गए थे जब मैं ताज होटल की पार्किंग में बैठा हुआ था, तो मुझे तो कुछ हिलते डुलते भी पार्टी लवर जो खड़े नहीं हो पा रहे थे। विक्की बोलता है मतलब उनकी एंट्री ही ऐसी हो रही थी कि ये कैसे, क्या गाड़ी कैसे चला के लाया। मैंने ये सोचा कि जो खड़े नहीं हो पा रहे ये ताज के अंदर जाके करने क्या वाले सच बात है। नहीं मेरा ये पॉइंट है, वहाँ जाकर के वहाँ से आने वाले ऐसे पोजीशंस में होते हैं। हाँ, ये जाने से पहले थे सीरियसली, वो भी रात के 9 बजे। वही यार, वही ये मुझे बता रहा था, मैं तो खैर अंदर चली गई थी। फिर नीचे वो हो रहा था एक्चुअली, वहाँ पर ये होता है ना जो सनबर्न हो रहा। हम लोग कोविड से पहले भी हम लोग घर पे ही न्यू ईयर शांति से ही मनाते थे। एक बार बस मैंने जरूर टीनू के साथ मनाया, याद है, वो भी वो लोग भी घर पे मनाती हैं, सब फ्रेंड्स घर पे आ जाते हैं, घर पे मस्त मनाओ, चिल मारो, और अगर आगे मनाएंगे भी ना तो मुझे ऐसा लगता है घर पे ही फ्रेंड्स को बुला लो भले ही, वो सबसे बेस्ट होता है। तो यस, बाहर कोहरा हो रहा है, दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू। ओ
ओके गाइस, पहुंच गए हैं लेक और इतना अच्छा लग रहा है ना. अभी हल्का हल्का सा सनराइज हुआ है. मैं एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हूँ, यहाँ पीछे से सनराइज हुआ है. सो फीलिंग सो सो गुड. विक्की निकल जाता है पहले. विक्की अपना निकल जाता है, वो जा रहा है, ये जा रहा है. मैं अपना अलग चलती हूँ, आराम आराम से चिल मारते हुए, पिक्चर्स लेते हुए, धीरे धीरे इंजॉय करते हुए. तो या लेट्स गो. ये मेरा कद्दू अभी खा पी करके मस्त हो गया. थोड़ी देर पहले फूल गया था, बिल्कुल पटाखे बड़े की था. क्योंकि आज मैं 5 किलोमीटर चली हूँ. हाय गाइस, सो अभी हम जा रहे हैं घर. आज हम लोग जल्दी निकल रहे हैं, अदरवाइज हम 10:30-11 पर निकलते हैं. ठंड ज़्यादा है, मुझे देख के मत समझना. एक्चुअली मैंने अभी जस्ट उतार के रखा हुआ है क्योंकि गर्मी लग रही है. मैं बहुत देर से धूप में बैठी थी, तो अब जल्दी इसलिए जा रहे हैं बिकॉज मेरी मदर इन लॉ का कॉल आ गया था कि उन्होंने आलू बड़े बना करके रखे हुए हैं, तो हम लोग वही खाएंगे आज. तो नहा धो करके हम लोग सबसे पहले मंदिर गए, और ये वही मंदिर है जहाँ मैं पहले पुरानी सोसाइटी में रहती थी और जहाँ पर मेरे पापा गिरे थे. यहाँ पर वो डेली वॉक करने आते थे, और यही मंदिर के सामने ये जो लोकेशन दिख रही है ना, अब तो ये काफ़ी ऐसी हो गई है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 6 महीने हो गए पंडित जी और वहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको पता ही ऐसी सिचुएशन ही है. तो यहाँ पर पत्थर वगैरह लगा दिए गए हैं, बट वो यहीं पर नीचे स्लिप हुए थे फूल तोड़ते टाइम. एंड ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद हम ऐसे ही बोलेंगे 1 साल बाद. और घर पे आए हैं तो बाटी बन रही है. मेरी मम्मी एकदम ऐसे शुद्ध देसी घी में मस्त ऐसे बाटियों को डुबा डुबा करके देती हैं, गरम गरम, बहुत टेस्टी लगती है. मतलब ठंड में ये सब खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है. तो ये हम लोगों का लंच था, बाटी स्पेशल. तो ये है मेरा विजन बोर्ड के कुछ स्टिकर्स जो मैं बनाती हूँ, प्रिंट आउट, स्टिकर्स नहीं, एक्चुअली ये प्रिंट आउट है जो मैं खुद ही निकालती हूँ मुझे क्या क्या चाहिए होता है और क्या नहीं चाहिए होता है. सो बेसिकली इस हर बार तो मैं बहुत अपनी मटेरियलिस्टिक, मेरी विश लिस्ट होती है, ट्रैवलिंग लिस्ट होती है, ये होता है, वो होता है. इस बार मैंने काफ़ी सिंपल सा इसको रखा है, एंड क्योंकि जैसे एक मेरा जो प्रोफेशन है उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, लैपटॉप चाहिए होता है, कैमरा चाहिए होता है. मैं पिछले विजन बोर्ड आई थिंक 3-4 साल से तो यूट्यूब पर डाल ही रही हूँ हर साल जो बनाती हूँ. और मैं बहुत बिलीव करती हूँ विजन बोर्ड में, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो भी मैं विजन बोर्ड पर स्टिक करती हूँ उसमें से 90% 80% चीज़ें मैंने कर ली हैं, मिल गई हैं मुझे. तो इसलिए मैं विजन बोर्ड में बहुत बिलीव करती हूँ. तो आप जो भी जो लोग मुझसे बोल रहे थे कि उनको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए विजन बोर्ड का, मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑलरेडी है तो वो चेक कर लीजिएगा. तो हाँ, इस बार मुझे न्यू आईफोन चाहिए बिकॉज या तो मुझे अपग्रेड करना है, या मैं 14 लूँगी, या फिर जब 15 लॉन्च हो जाएगा तब मैं 15 लूँगी. वो डिपेंड करता है, वो 15 लॉन्च होने के बाद ही देखा जाएगा. सो यस, वो एक मुझे अपग्रेड करना है. उसके बाद कुछ मेरे विजन्स हैं जो मेरे को स्टार्ट करनी है चीज़ें, वो सब मैंने यहाँ डाल के रखी हुई हैं. इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, गुड हेल्थ, वॉक इन नेचर, ऐसे करके. तो आप किसी भी तरीके का क्रिएटिव तरीके से विजन बोर्ड बना सकते हैं. यहाँ पर इस बार मैंने ऐसे कुछ बनाया है सिंपल सा. मैं पहले पॉइंट्स बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए. अभी तो ये आप लोगों के सामने ऐसा है, इसमें मैं कुछ और स्टिकर्स ऐड करूँगी बाद में जो मैं चाहती नहीं हूँ पब्लिकली शो करना. सो यस, सो दिस इज़ द कम्प्लीट लुक ऑफ माई विजन बोर्ड. आई रियली लव्ड इट. काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है ये. कलर कॉम्बिनेशन इज लुकिंग वेरी प्रिटी और काफ़ी अट्रैक्टिव एंड वाइब्रेंट लग रहा है ये. सो ये है मेरा विजन बोर्ड. ओके गाइज, सो बिफोर फिनिशिंग दिस व्लॉग आई रियली हैव टू आस्क यू फ्यू थिंग्स बिकॉज आई एम कन्फ्यूज इन दैट मैटर. तो मेरे पास, जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने लास्ट जो अकल साइंस वाला एक वीडियो था, न्यूमोलॉजी वाला, वो डाला था. उसके बाद मैंने 3 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं डाला है. तो मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हो चुकी हूँ बिकॉज मेरे पास कुछ लोगों के बहुत अच्छे सजेशंस, मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं वो, जिन्होंने मुझे एक तो बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि दे सेड मी कि अगर मैं इस अकल साइंस का एक अलग से चैनल बनाऊं तो वो ज़्यादा बेटर होगा. आई अग्री ऑन दैट, ताकि उस पर एक तो रीच भी बहुत अच्छी आएगी, दूसरी चीज़ ये रहेगा कि वो पूरा एक ऑल ऑफ पूरा
पूरा वीडियो ही अलग हो जाएगा. एंड लाइक आई एम कन्फ्यूज. मेरा ये टेक है उस पर कि अगर मैंने फिर से एक और नया चैनल बनाया तो एक तो मेरे लिए बहुत पूरा ज़ीरो से टास्क हो जाएगा वो, ठीक है. मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा अगेन, और पता नहीं मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी. वो एक मेरे को अपने अंदर सेल्फ डाउट आ रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट डेफिनेटली बना रखी है. आपको क्या लगता है? जैसे एक का उसमें ये थॉट भी था कि उन्होंने जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो इसलिए किया है ताकि मैं होम डेकोर से रिलेटेड चीज़ें डालती हूँ, जो मैं लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करती हूँ, अपना डे टू डे लाइफ दिखाती हूँ, उनको वो सब देखना बहुत पसंद आता है. शी डजंट बिलीव इन अकल साइंस एट ऑल, तो उनको इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता होगा शायद उसको देखने में. सो शी वॉज सजेस्टिंग मी कि ऐसा मैं एक चीज़ कर सकती हूँ. बहुत अच्छा उन्होंने मुझे सजेशन दिया, डेफिनेटली आई अप्रिशिएटेड इट. बट जब मैं थोड़ा सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर एक बर्डन हो जाएगा अलग से पूरा, यू नो, यूट्यूब बनाना और फिर से फिर उसमें वो करना एंड मोनेटाइजेशन उसको करवाना एंड वो हो जाएगा. तो मेरे को आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे प्लीज़ एक जेन्युइन सजेशन दीजिए. अकल साइंस वाला वीडियोस बना रही हूँ वो मैं इसी वीडियो में कंटिन्यू करूँ, लाइक इसी चैनल में रुचि स्टाइल कॉर्नर में कंटिन्यू करूँ, या फिर मुझे अलग से यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, प्लीज़ डू लेट मी नो. या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है तो आप जब देखना चाहें तो सिर्फ वो प्लेलिस्ट देख लें और बाकी जिनको नहीं पसंद आता है वो उस वीडियो को स्किप कर दें. ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब I'm totally confused. So please help me out. And अब इसीलिए मैंने पता है इतने दिन से वो वीडियो भी नहीं डाला है. मेरे planned videos हैं 2 से 3, उसी में आगे हमको बढ़ना है. But the thing is कि मैं इतनी ज़्यादा confused हो गई, दिमाग में इतनी stuck कर गई कि मैं को ऐसा लगने लग गया कि मैं सही कर रही हूँ कि मैं नहीं कर रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ. मतलब there was so much multiple thoughts coming in my mind. So please आप मुझे help out करिए figure out कराने में कि मुझे actually में क्या करना चाहिए. और आज का जो वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ. बहुत ही सिंपल सा था क्या किया हम लोगों ने न्यू ईयर पे और एक दिन पहले, वो ही सब मैंने आपको बताया है. अभी मैं बस, अब जो नेक्स्ट व्लॉग है वो मुंबई वाला आने वाला है, बिकॉज आई एम गोइंग टू मुंबई, 2-3 days में ही जाऊँगी मैं. सो येस, अभी मेरा फिक्स नहीं हुआ है, अभी रिजर्वेशन नहीं हुआ है, बिकॉज हम लोग तत्काल कराते हैं, एक दिन पहले ही कराते हैं. तो जिस दिन का मिल जाएगा उस दिन हम लोग निकल जाएंगे मुंबई के लिए. सो उसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो आपको मुंबई का. So yes, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. आल्सो डू लेट मी नो आपके एरिया में ठंड किस लेवल की पड़ रही है, बिकॉज यहाँ पर बहुत तगड़ी ठंड पड़ रही है. कुछ काम करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है बस रजाई में घुस के बैठे रहो और सोते रहो. सो यस, मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.